Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, in the previous video, we have understood about the desert, its climate, about oases, desert vegetation, and ship of the desert. Now we will continue our remaining chapter. So let's start. Life in the desert. Life in the desert area of Rajasthan is very hard due to shortage of water and dry sandy soil. Rajasthan ke registani ilake mein jo jeevan hai bahut hard hai, kathin hai, kyunki wahan par pani ki kami rehti hai aur wahan ki jo soil hai wo bahut hi ड्राई है. विलेज वुमेन हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज. जो गांव की महिलाएं हैं उन्हें बहुत दूर तक चल के जाना पड़ता है अपने डोमेस्टिक यूज यानी जो घर काम के लिए उनको पानी चाहिए होता है वो लेने के लिए. एज फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन हियर मोस्टली पीपल रियर शिप गोट्स कैमल्स एंड कैटल फॉर देयर लाइवलीहुड. जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर बहुत ही कम क्रॉप्स को उगाया जा सकता है इसलिए यहाँ के लोग शेप गोट कैमल कैटल इन सबको पालते हैं अपने जीवन के लिए. बिसाइड्स दैट पीपल आर एंगेज्ड इन हैंडीक्राफ्ट्स लाइक ज्वेलरी टेक्सटाइल मेटलवेयर एंड मार्बल प्रोसेसिंग. इसके अलावा यहाँ के लोग हैंडीक्राफ्ट में भी बहुत हैंडीक्राफ्ट यानी जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती हैं उसमें भी काम करते हैं जैसे कि ज्वेलरी हुई टेक्सटाइल कपड़ा हुआ मेटल वेयर हुआ और मार्बल प्रोसेसिंग यानी जो संगमरमर के पत्थर होते हैं उन पे काम करते हैं. राजस्थान हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ मैनी मिनरल्स लाइक जिंक कॉपर एंड मीका. राजस्थान में बहुत ही ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं. मिनरल्स यानी जो खनिज पदार्थ होते हैं जैसे कि जिंक कॉपर और मीका. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर देमसेल्व्स एंड देयर कैटल मैनी पीपल कीप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. खाने की कमी की वजह से खुद के लिए भी और अपने कैटल यानी जो उनके पालतू जानवर हैं उनके लिए भी कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव यानी घूमते रहते हैं. Such people are called nomads. ऐसे लोगों को वहाँ nomads कहा जाता है. The nomads of the Thar deserts are called Banjaras. जो Thar desert के nomad हैं, उन्हें बंजारा कहते हैं. But now the situation is changing. पर अभी के हालात कुछ अलग हैं. The government of Rajasthan is trying to provide water not only for household use but also for the fields through Indira Gandhi Canal. जो राजस्थान की government है वह लोगों तक खाली घर काम के लिए नहीं but पर उनके खेती बाड़ी के लिए भी पानी पहुँचाने की सुविधा कर रही है इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा. Most of the houses in the desert region have flat roof and small windows. रेगिस्तान में जो घर होते हैं उनके जो रूफ होती है यानी जो छत होती है वो एकदम फ्लैट होती है और उनकी खिड़कियां भी छोटी होती है. द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट आउट. जो घर की दीवारें होती हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं ताकि घर अंदर से गर्म नहीं हो एंड लेट द हाउस रिमेन कूल. ताकि जो गर्मी है वो बाहर ही रहे और घर अंदर से ठंडा रहे. सम हाउसेस हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर. और कुछ घरों में अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे टैंक होते हैं जिसमें वो पानी जमा कर सके. ब्राइट एंड कलरफुल क्लोथ्स आर कॉमन अमॉन्ग बोथ मैन एंड वुमेन इन राजस्थान. जो राजस्थान में मैन पुरुष और महिलाएं हैं वो ब्राइट और कलरफुल यानी उज्ज्वल और रंगीन कपड़े कॉमन है. वुमेन वियर घाघरा चोली विथ कलरफुल ओढ़नी. यहाँ की जो महिलाएं हैं वो घाघरा चोली और उसके साथ कलरफुल ओढ़नी पहनती हैं
एंड मैन वियर धोती कुर्ता विथ कलरफुल टर्बन, और जो पुरुष है वो धोती कुर्ता पहनते हैं और उसके ऊपर कलरफुल टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते हैं। द मेन फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर आर द गंगोर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली एंड ईद। यहाँ पर जो मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं वो है गंगोर, तीज, होली, दशहरा, दिवाली और ईद। हिंदी एंड राजस्थानी आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर। यहाँ पर दो मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, वो है हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है और राजस्थानी, ये दोनों यहाँ की मेन लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट टूरिज्म। जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। इसे पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के बहुत से घर गुलाबी कलर के होते हैं। टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द स्टेट। इस राज्य में जो टूरिज्म है यानी पर्यटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, जैसलमेर, अजमेर एवरी ईयर। दुनिया भर से बहुत से लोग हर साल उदयपुर, जोधपुर, पुष्कर, जैसलमेर और अजमेर घूमने आते हैं। मैनी फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आर फेमस इन राजस्थान। राजस्थान में बहुत से त्योहार और मेले प्रसिद्ध हैं। लाइक पुष्कर इज फेमस फॉर द बिगेस्ट एनिमल फेयर इन द कंट्री। जैसे कि पुष्कर पूरे देश में सबसे बड़े पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान इज फेमस फॉर इट्स पैलेसेस एंड फोर्ट्स। राजस्थान अपने महलों के लिए और किलों के लिए बहुत ही ज्यादा जाना जाता है। नीचे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, पहले है पुष्कर मेले का फोटो दिया हुआ है, दूसरे में हवा महल दिखाया गया है जिसके बारे में हमने पढ़ा है, और तीसरे में फोर्ट ऑफ उदयपुर यानी उदयपुर का एक किला दिखाया गया है। Now students, you have to read this lesson thoroughly. We will discuss the exercises of this lesson in the next video.